सो वेलकम फ्रेंड्स टू आर चैनल। सो मैं जयसवाल द फाइनेंस गुरु, फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूँ। अगर आप चैनल के ऊपर नए आए मेक श्योर टू सब्सक्राइब इट, सेकंडली नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें बिकॉज काफ़ी यूजफुल कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लगातार लाता रहता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कुछ ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो कि 100% अप्रूवल रेट देती हैं, लेकिन क्या आपको ऐसे लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए रियली में? तो दोस्तों इसी वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको क्लियर बताता हूँ, लोन एप्लीकेशन दो टाइप की होती हैं। सबसे पहले ऐसी लोन एप्लीकेशन जो सिंपल आपसे पैन का आधार कार्ड लेगी और अगर आप न्यू यूज़र हैं 100% आपको लोन दे देगी, लेकिन कहानी शुरू होती है लोन रिकवरी के टाइम पे। समय मिलेगा 5 से 6 दिन का मैक्स टू मैक्स या फिर 7 दिन का। उसके बाद रिकवरी ऐसी होगी कि आप भी परेशान हो जाएंगे और इवन आपकी फैमिली भी परेशान हो जाएंगी और आप अपनी लाइफ को जो है हल बुला बैठेंगे, गारंटी 100% मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता है इन चीज़ों के बारे में, वो लोग इससे ईजी तरीके से निकल जाते हैं, लेकिन सिंपल यूज़र, पहला यूज़र या बिल्कुल ही नया कोई यूज़र है, वो फंस जाता है और अपनी लाइफ ख़राब कर बैठता है। तो दोस्तों क्लियर अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये 100% अप्रूवल वाली एप्लीकेशन नहीं है, ये 100% लाइफ बर्बाद करने वाली एप्लीकेशन है, तो मेक श्योर इनसे आप दूर रहिए। अब देखिए ऐसी एप्लीकेशन है जैसे कि ये दिखा रहा है आपको मोजो लैंड, या फिर हम बात करें लार्ज टका टका पॉट, ठीक है, ऐसी बहुत सारी हैं, मनी रूपी रूपी फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या है। तो 99% एप्लीकेशन जितनी भी हैं दोस्तों ये सबके सब फेक हैं और प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं। लोन भी प्रोवाइड करती है, न्यू यूज़र को मैक्सिमम प्रोवाइड करती हैं और फिर ये रिकवरी वाला खेल चालू हो जाता है क्योंकि इन पे फ़ायदा मिलता है इनको, ठीक है। आप ले रहे हो 4,000 रुपये का लोन और आपको मिलते हैं 2,000 रुपये, चुकाते आप 4,500 रुपये के आसपास हो, तो मतलब डबल पैसा ये लोग आपसे कमा लेते हैं। और काफ़ी लोग क्या होता है जैसे सिंपल हैं, बिल्कुल ही न्यू है, नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, और फैमिली के आगे वो आपकी न्यूड फोटोज़ वगैरह भेज देंगे, आपके पूरे व्हाट्सएप को छान मार के भेज देंगे, तो भाई उसमें प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों की हालत ख़राब भी हो जाती है जिसकी वजह से रिपेमेंट्स भी होती हैं और बार बार रिपेमेंट्स की डिमांड भी करते हैं ये लोग। तो इसलिए कहा जाता है भाई इनसे आपने दूर ही रहना है अगर आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह जीना चाहते हैं। जब भी कभी अप्लाई करते हैं, चाहे किसी भी वीडियो आप देखते हैं, सबसे पहले भाई अप्लाई करें, कमेंट बॉक्स पढ़ें, क्रिटिकल रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ा करें, ठीक है, उसकी डिटेल पढ़ा करें कि भाई क्या है। सबसे पहले जो ईमेल होती है ना कंपनियों की और एड्रेस, उसी से पता लग जाता है एप्लीकेशन फेक है कि नहीं है। मैक्सिमम ये चीज़ आप देख लेना या फिर क्रिटिकल रिव्यू पढ़ लेना, पता लग जाएगा आपको कि एप्लीकेशन जेन्युइन है या फिर फेक है, ठीक है। कोशिश ये करें कि NBFC एप्लीकेशन से लोन लें, EMI में लोन मिलेगा, ब्याज भी दर कम रहती है और ठीक ठाक ये काम करती है। लेकिन काफ़ी लोग की ये भी रहती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी लोग मुझे काफ़ी सारे मेल भी करते हैं पैसों की डिमांड के लिए, भाई मेरे पास कोई पेड़ नहीं है ना मैं किसी की पर्सनली हेल्प कर सकता, ठीक है जी, हर किसी की तो कर नहीं सकता क्योंकि जिनकी करी आज तक 1 रुपया उन्होंने वापस नहीं किया। तो भैया इंडिया है ही ऐसा, तो जितने भी आप अच्छे बनो या फिर हेल्प भी करो तो कोई भी यहाँ पे पैसा आपका वापस नहीं करता और ये फैक्ट है, ठीक है। तो भाई ये वाले मेल वेल तो किया मत करो। दूसरी बात ये है काफ़ी लोग क्या करते हैं NBFC से लोन ले लेते हैं, वो नहीं चुकाते हैं, तो बचा कुचा सिविल भी चले जाता है, उनको कोई इमरजेंसी नीड फिर हेल्प मिल ही नहीं पाती है। तो फिर अगर आप NBFC से लोन ले रहे हो तो भाई कुछ भी करके उसको चुकाओ, सो डेट कि आपको लिमिट भी बढ़ाई मिले या फिर आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन से इजी तरीके से लोन मिल जाए। नहीं तो ऐसी लोन एप्लीकेशन की तरफ कभी भी मत जाना भूल के, जो पैसे लिए हैं वो भी आप गवा बैठोगे और अपने एक्स्ट्रा ही पैसे इनको दे बैठोगे, ये ऐसा होता ही होता है, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि जितनी भी 6-7 दिन वाली एप्लीकेशन है इट्स अ ट्रैप, लाइफ हेल कर बैठोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, इनसे दूर ही रहना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगर आपको जेन्युइन तरीके से लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड, बैंक लोन कैसे ऑफर आते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले सिबिल को मेंटेन करना सीखो या फिर सिबिल को स्टार्ट करना सीखो। सिबिल नहीं है, अब देखिए ये क्या कहानी होती है मैं आपको क्लियर बताता हूँ। आपकी एज 20 या 21 साल से ऊपर होगी, सबसे पहले EMI पे कोई प्रोडक्ट ले लो, होम क्रेडिट से ले लो, बजाज पे ले लो, 0 cost EMI पे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। क्रोमा पे चले जाओ, रिलायंस डिजिटल पे चले जाओ, वहाँ पे आपको एक फैसिलिटी मिल जाएगी पैन का आधार कार्ड वाली। सिबिल पे चढ़ जाएगा लोन, टाइमली रिपेमेंट्स करना, एक चीज़ का ध्यान रखना, रिपेमेंट नहीं कर सकते तो कभी मत लेना। उसके बाद नहीं ऑप्शन समझ आता तो आप क्या करते हो, FD वाला क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो, कुछ लिंक्स दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके अप्लाई करके FD करा के आप ले सकते हो कार्ड, 5,000-10,000 में अवेलेबल है, इवन 2,000 रुपये में भी अवेलेबल है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन क्रेडिट लिमिट 20-30% ज़्यादा यूज़ मत करना। 2,000 का कार्ड ले रहे हो तो 100 रुपये हर महीने खर्च करो, रिपेमेंट करो, 6 महीने के बाद सिबिल देख लेना, घट जाएगा, 100% गारंटी है बढ़ जाएगा आपका सिबिल स्कोर, ठीक है। ऐसे ही EMI प्रोडक्ट्स वाला खेल है, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्रेडिट कार्ड में थोड़ा सा जल्दी काम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, धीरे धीरे छोटी लोन एप्लीकेशन जैसे ब्रांच हो गई, क्रेडिट भी होगी, ट्रू बैलेंस, ये आपको 100% लोन दे देगी, फिर आपको धीरे धीरे बड़े लोन्स भी मिल जाएंगे, इवन क्रेडिट कार्ड्स भी दोस्तों आपको मिल जाते। तो भैया ये कहानी है जेन्युइन सिटी की, ठीक है। अगर जेन्युइन एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो उसको टाइम से चुकाना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको कोई लोन्स वक्त नहीं मिलते। लोन देखिए इमरजेंसी नीड में लिए जाते हैं तो ही लेना है, इनका शौक नहीं पालना है। अगर आप देखिए गर्लफ्रेंड के खर्चों के लिए लोन ले रहे हो या फिर भाई अपने ही खर्चों के लिए लोन ले रहे हो, इट्स अ बैड थिंग, ट्रैप है। तो मेक श्योर इमरजेंसी को ही हो लोन लीजिए, सिबिल अपना इम्प्रूव करें,
टाइमली दी, पेमेंट्स करें, लोन भी मिलेगा, क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, इवन बैंक खुद चल कर आएगा आपको लोन देने के लिए। और ये मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा चुका हूँ, हमने भी अपनी जर्नी यहीं से ही स्टार्ट करी थी, सिबिल यहीं से ही शुरू किया था जब हम यूट्यूब पे आए थे, और अभी आपको मैंने 30-30 लाख रुपए के लोन भी यहाँ पर दिखाए हैं, ठीक है, वो भी बैंक की तरफ से ही आए हैं, कोई ऐसा नहीं है विदाउट एनी इनकम प्रूफ, क्योंकि हमारे पास भी कोई सैलरी है नहीं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। मेक श्योर कि आप थोड़ा सा पैटर्न को फॉलो करें और ऐसे लोन एप्लीकेशन से जितनी भी ये आती हैं दूर रहें। अब मैं आपको बताऊँ रियलिटी क्या है, काफ़ी लोग भाई कमेंट बताऊँ क्या करते हैं, ये तो एप्लीकेशन 6 महीने पुरानी बताई थी, रिपीट कर रहे हो, कोई नई एप्लीकेशन बताओ। भाई देखो, नई एप्लीकेशन कोई भी यूट्यूबर आपको पैदा करके नहीं देगा, पहली बात तो ये, घर की किसी कंपनी नहीं है कि भाई लोन एप्लीकेशन आई और आपको दे दी। ये चीज़ समझने की वर्किंग एप्लीकेशन कौन सी आज की डेट में वही बताई जाती हैं, वो रिपीटेड में भी आ सकती हैं, कुछ नई भी होती हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, अगर आपको नहीं चाहिए तो 7 दिन वाली है, जा सकते हो, अपनी लाइफ हेल्प करा सकते हो, तभी आपको समझाया जाता है। मेक श्योर कि NBFC से लोन लो, EMI वाला लोन लो, या फिर आप बाय नाउ पे लेटर सर्विसेज 0% ब्याज वाली, मैक्स टू मैक्स वो वाली आप यूज़ कर सकते हो, वो वाली फेरो पे हो गई, सिंपल हो गई, इस टाइप से आती हैं, जैसे पोस्ट पे हो गई, कुछ परसेंट लेती है लेकिन वो आपको पैसा दे देती हैं, तो इस टाइप की आप पे लेटर ट्राई कर लो, नहीं तो आपको लोन समझाना है तो NBFC ट्राई करो, ठीक है। उनकी वजह से मैं एक वीडियो दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जो मैक्सिमम वर्किंग एप्लीकेशन है वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है, अगर आप NBFC से लोन लेना चाहते हैं। लेकिन कभी भी इन एप्लीकेशन के चक्कर में मत आना, ठीक है, अपनी अगर सलामती चाहते हो, अपने परिवार की सलामती चाहते हो, हाथ जोड़ के विनती है भाई मेरे, ऐसे लोन एप्लीकेशन से दूर ही रहना, आपका ही फ़ायदा है, आपकी ही लाइफ है। मेक श्योर अगर जरूरत पड़ती है पैसों की, तो जो पैटर्न बताया है आपको, 2000 रुपये की FD कोई ज़्यादा नहीं है, वो करा लो, 6 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, लोन मिलने आपको शुरू हो जाएंगे। लेकिन टाइमली रिपेमेंट्स अगर फॉलो नहीं करोगे, कुछ चीज़ आपके काम की फिर नहीं है, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो गया, लिंक्स वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, भूल के भी इन वाले से दूर रहना। तो चलिए फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने आपको बहुत एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ जी, कुछ लोग ऐसे हैं जो इन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं, 7-8 दिन वाली से चुकाते नहीं, क्योंकि वो भाई प्रो बन चुके हैं अब, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपल यूज़र हैं, एक ही फ़ोन है उससे अप्लाई कर देते हो, तो प्लीज़ डोंट डू दिस, ठीक है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। जो लोग करते हैं करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप NBFC वाले केस में करते हो, डोंट डू इट, सिविल ख़राब हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपको, एमरजेंसी में फिर बहुत दिक्कत आती है, ये आप काफ़ी लोग नहीं समझते, लेकिन जब इमरजेंसी फूटती है तब समझ आते हैं। एक कमेंट बताता हूँ आपको, रिसेंट में यूज़र ने किया कि सर मैंने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो देखी थी, उन्होंने बोला कि NBFCs का लोन रिपेमेंट मत करो, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, और सिबिल उनका अब -19 में 19 या 20 चल रहा है, ठीक है, रिपेमेंट नहीं करी, अब कहीं से लोन नहीं है, इमरजेंसी है, उनकी मम्मी एडमिट है, अब बताइए। तो ऐसा भी होता है, तो इमरजेंसी के हिसाब से NBFC से पंगा लेने का फ़ायदा नहीं है, लोन लेते हो 2-3 हज़ार रुपये का, 5 हज़ार का चुका तो खेल खत्म करो, इनसे दूर रहो, ठीक है जी। सब कुछ समझ आया होगा, क्रिस्टल और क्लियर है। अगर आप प्रो हो, डर नहीं लगता किसी भी चीज़ से, कुछ भी हो, कोई नहीं कुछ उखाड़ सकता, तो आप यहाँ से पैसे लो, भरो मत भरो डजेंट मैटर, लेकिन थोड़ा सा हिम्मत आपको चाहिए होगी ऐसे लोन एप्लीकेशन वाले रिकवरी एजेंट को टैकल करने के लिए, तो ठीक है, नहीं तो सिंपल आदमी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा मत अप्लाई करना, गो फॉर NBFC, सिबिल बनाओ, आपके ही काम आएगा, अच्छे अच्छे लोन भी मिलते हैं, होम लोन भी मिलता है विदाउट एनी इनकम प्रूफ, अगर आप स्टेबल तरीके से फॉलो करते हैं चीज़ों को, ठीक है। आशा करता हूँ कुछ समझ ही आया होगा आपको, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।